वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को फायरहाइम, जो कि 12th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8th है, जिसे KKN दारूवाला ने लिखा है, इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने कराई थी। और आज की ये क्लास समर्पित है फायरहाइम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। और इस क्लास में हम सभी उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ाने की शैली थोड़ी सी अलग है। मैं पोयम पढ़ाते समय ही या प्रोज पढ़ाते समय ही चैप्टर को इस तरह से डिटेल वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पकड़ अच्छी बन जाती है। और इस बात का अंदाज़ा आप सभी को पिछले कुछ दिनों से लग चुका है कि जब आप एक दिन पहले पोयम या प्रोज देखते हो तो उसके बाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। इस बात से मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट पहले से ही वाकिफ हैं। आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि इस बार भारत सरकार ने अपनी शिक्षा नीतियाँ बदल दी हैं और अब जो एग्ज़ाम्स होंगे या पढ़ाई का जो पैटर्न होगा वो 2021 सत्र से लागू होगा। यानी आप सभी पिछले सत्र के अनुसार ही, जैसे आज तक बिहार बोर्ड में परीक्षाएं होती आई हैं, उसके अनुसार ही परीक्षा देंगे। इस बात से आप आश्वस्त हो जाइए, कन्फर्म हो जाइए, आपकी एग्ज़ाम जैसे पहले हुआ करती थी वैसे ही होंगी। आपके बाद के जो विद्यार्थी होंगे, यानी इस बार जो 11th क्लास में एंटर करेंगे, उनके लिए नया सत्र होगा। शायद उनकी किताबें भी बदल जाएं, सबकी सब NCERT आ जाएंगी, आपकी एग्ज़ाम्स पहले जैसे ही होंगी। मैं बहुत जल्द इस नई शिक्षा नीति को डिटेल में आप सबके बीच लाके समझा दूंगा। शायद कल मैं आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें जो नई नीतियां अपनाई जा रही हैं शिक्षा के प्रति भारत सरकार की, उसको मैं डिटेल वाइज आप तक पहुंचा दूंगा। आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फायरहाइम इज रिटन बाई, इस फायरहाइम चैप्टर को किसने लिखा है? तो आप सब जानते हैं KKN दारूवाला ने लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन है, द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर टू द पोएट, यानी आग की जो लालिमा थी वो लेखक ने उसे किस रूप में देखा? तो आप जानते हैं आग जो होती है वो क्रूवेल होती है, निर्दयी होती है, जले भुले अंगों को भी भस्म कर देती है, सबको जलाने की क्षमता रखती है। तो क्रूवेल इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स क्रूवेल टू द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग इज एन इंडो एलेंगियन पोएट, नीचे कुछ लेखकों का नाम लिखा हुआ है, T.S. एलियट, वाल्टर डेलामेयर, महात्मा गांधी और KKN दारूवाला, इनमें से कौन सा रहने वाला इंडिया का था लेकिन इंग्लिश में पोयम लिखा करता था? मैं बात पोयम की कर रहा हूं। तो दो लोग थे, महात्मा गांधी और KKN दारूवाला, जिनका वास्ता भारत से था लेकिन जो लिखते थे इंग्लिश में। लेकिन महात्मा गांधी पोएट नहीं थे, KKN दारूवाला पोएट थे। तो इसका सही आंसर KKN दारूवाला होगा। महात्मा गांधी ऐसे के लिए, स्पीच के लिए अपनी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, पोयम के लिए वो प्रसिद्ध नहीं माने जाते। अगला क्वेश्चन है,
द पोयम फायरहाइम डिस्क्राइब द ऑफ बर्निंग घाट। ये जो फायरहाइम चैप्टर है वो बर्निंग घाट के सीन का वर्णन करता है। अब कौन सा सीन इसमें सही है, तो बर्निंग घाट के दृश्य की चर्चा करता है। और अगर आप दृश्य की मीनिंग देखें तो एस सी ई एन ई होता है, दृश्य का सीन, ये सही है। अगला क्वेश्चन है द टर्म जोरोस्ट्रियन इन फायरहाइम इज स्टैंड फॉर। जिस जोरोस्ट्रियन शब्द का प्रयोग किया गया है फायरहाइम चैप्टर में उसका क्या मतलब होता है, दरअसल उसका मतलब होता है पारसी, जो एक धर्म है पारसी। अगला एक क्वेश्चन है कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पोयम फायरहाइम वॉज डैश डैश मील अवे, यानी टावर ऑफ साइलेंस जो सबसे नजदीक था लेखक के वो कितना दूर था। आपने पढ़ा था अ थाउजेंड मील, 1000 मील की दूरी पर था। दूरी ज्यादा थी इसलिए कवि ने अपने पहली औलाद को आग की लपटों के हवाले कर दिया। उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कर दिया। अगला क्वेश्चन है द स्पीकर इन द पोयम फायरहाइम स्वेर्स। ये मैंने जब पोयम मैं आपको समझा रहा था उसी दौरान इस क्वेश्चन की चर्चा मैंने की थी कि कवि ने फायरहाइम चैप्टर में कितनी बार आई स्वेर, मैं कसम खाता हूं, इन शब्द का प्रयोग किया। तो दो बार उन्होंने कसम खाई, एक बार बचपन में घाट पर आग को भुलक्कड़पन के पाप से बचाने के लिए, और दूसरी बार जब उन्होंने अपने बच्चे को आग के लपटों के हवाले कर दिया था और आग ने जब इन्हें माफ कर दिया था तो शर्मिंदा होकर इन्होंने दोबारा कसम खाया था कि मैं कभी पारसी धर्म के नियमों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो दो बार इन्होंने कसम खाया है। अगला क्वेश्चन, केकीयन दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन। केकीयन दारूवाला ने साहित्य अकादमी अवार्ड कब प्राप्त किया था, तो 1984 ईस्वी में, 1984 में केकीयन दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दारूवाला नोन एज वेल नोन पोएट एज वेल एज अ। केकीयन दारूवाला जाने जाते हैं एक बेहतर कवि के रूप में और साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में, कवि भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अगला क्वेश्चन है द पोएट सीज द रेड हॉट, कवि देखता है लाल रंग के गर्म एम्बर्स को, अंगारों को, जो किसी भी चीज लाने की क्षमता रखते हैं। ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, द पोएट सीज द रेड हॉट एम्बर्स। और बहुत जल्द मैं 12th क्लास के 2021 परीक्षा के लिए, यानी जिसमें आप लोग हैं, उस परीक्षा के लिए अपने इंस्टीट्यूट से नोट्स जारी करूंगा, प्रोज पोएट्री और ग्रामर का, तीनों का 100 नंबर फुल। और पूरा दावे के साथ होगा कि उस नोट्स को पढ़ने के बाद, उस नोट्स की तैयारी कर लेने के बाद 2021 का एग्जाम आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये नोट्स आपकी दुनिया बदल के रख देगा, इंग्लिश के क्षेत्र में आप अव्वल दर्जे के नंबर लेकर आ पाएंगे। उसकी डिटेल्स मैं आगे वीडियोज में देता रहूंगा, कब मैं इसे जारी करूंगा, कैसे आप इसे मेरे से पा सकेंगे, ये सारी जानकारी बाद में आपसे शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन, यानी कितने नंबर पर कौन से बच्चे को कवि ने आग की लपटों के हवाले कर दिया था। तो अपने फर्स्ट बर्न चाइल्ड को, अपनी पहली औलाद को। अगला क्वेश्चन है केकीयन दारूवाला बिलोंग टू विच रिलीजन, केकीयन दारूवाला का संबंध किस धर्म से था। तो आप जानते हैं वो पारसी थे और पारसी को जोरोस्ट्रियन भी कहा जाता है, तो जोरोस्ट्रियन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
कंसाइनिंग हिज न्यू बर्न सन टू फ्लेम टू प्लेस हाउ मेनी ईयर्स अगो, यानी अपने पहली औलाद को इस पोयम के अनुसार कवि ने कितने साल पहले आग के हवाले किया था, तो इस पोयम के अनुसार 20 साल पहले। आपने पढ़ा था 20 साल पहले की बात की थी इसने कवि ने। अगला क्वेश्चन है, हु स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कौन कसम खाता है कि वो आग को उसके भुलक्कड़पन के पाप से बचाएगा। तो केकी एन दारू वाला कसम खाए थे कि वे आग को उसके भुलक्कड़पन के पाप से बचाएंगे। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, आपको याद भी होगा। अगला क्वेश्चन, द डैश डैश फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज सम टाइम इट लीव द डेड बॉडी हाफ ब्रंट, कौन सी चीज भूल जाती है अपने मृतक को, कभी कभी आधा अधूरा ही छोड़ देती है। तो आग कभी कभी अपने मृतक शरीर को जलाना भूल जाती है, कुछ अंगों को ये बिना जलाए ही छोड़ देती है, फायर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इट वॉज द डैश डैश ऑफ द पोएट अलोंग विथ हिम पासिंग बाई द घाट, यानी कवि किसके साथ घाट के किनारे किनारे टहल रहा था, घाट के किनारे से गुजर रहा था, तो कवि अपने पिता के साथ था, फादर इसका राइट ऑप्शन होगा। अपने पिता के साथ वो घाट पे टहल रहा था तभी उसने ये वाक्य देखा। अगला क्वेश्चन, इट वॉज द डैश डैश ऑफ हिम, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसमें भी आंसर फादर ही होगा कि कवि अपने पिता के साथ टहल रहा था। अगला क्वेश्चन, केकियन दारूवाला वाज बोर्न इन, केकियन दारूवाला का जन्म कब हुआ था। तो केकियन दारूवाला का जन्म 1937 में हुआ था, 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट इज लोकेटेड एट, घाट कहाँ है, तो घाट है कहाँ है घाट, तो घाट है रिवर बैंक, नदी के किनारे। फायरहाइम चर्चा करता है किस घाट का, तो बर्निंग घाट का, शमशान घाट का, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, केकियन दारूवाला वाज द रिसिपिएंट ऑफ, केकियन दारूवाला प्राप्त करता थे, केकियन दारूवाला को मिला हुआ था पुलिटजर प्राइज, कॉमनवेल्थ प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड, या फिर कॉमनवेल्थ अवार्ड और साथ ही साथ साहित्य अकादमी अवार्ड, क्या इसका सही आंसर होगा। मैंने पोयम पढ़ाते समय बताया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, 21 नंबर का राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड बीन इन पुलिस सर्विस ऑल्सो, निम्नलिखित में से कौन से कवि पुलिस सर्विस में भी थे। तो आपने पढ़ा था केकी एन दारूवाला के बारे में कि एक आईपीएस अधिकारी भी थे, इंडियन पुलिस सर्विस में एक अधिकारी हुआ करते थे, पुलिस सर्विस में भी ये थे, सिविल सर्वेंट थे। अगला क्वेश्चन, केकी एन दारूवाला वाज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो अ सिविल सर्वेंट, न केवल पोएट थे बल्कि एक सिविल सर्वेंट भी थे, एक आईपीएस अधिकारी भी थे। वॉट हैपेंड टू द स्पीकर आफ्टर सीइंग द हाफ कुक्ड लिम, जब कवि ने आधा जले भुने अंगों को देखा तो उसे क्या हुआ, तो उसने क्या किया था कवि ने, उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर दिया था, हिज फिंगर्स क्लींच्ड। अगला और लास्ट क्वेश्चन, हु इज प्रिटेंडेड एट बर्निंग घाट, शमशान घाट पे कौन डर जाता है, कौन भयभीत हो जाता है, तो पासर्स बाई यानी राहगीर, जो राहगीर बर्निंग घाट के बगल से होके गुजरते हैं वो अक्सर डर जाते हैं। ये जो चैप्टर था इसकी इतनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जिसमें मैं चर्चा करूंगा सरकार ने जो नई नीतियां लाई हैं शिक्षा के लिए, उन नीतियों पे एक पूरी कंसेप्ट के साथ, जिससे आप क्लियर हो सकें कि आने वाले समय में पढ़ाई का प्रारूप क्या होगा, परीक्षाएं कैसी होंगी,
या आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको क्या क्या करना होगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।